नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आखिरी दो टेस्ट के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और एक बदलाव टीम इंडिया में हुआ है। उमेश यादव की वापसी हुई है टीम में और उमेश यादव अगर फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे तो फिर उनकी जगह मतलब वो शार्दुल ठाकुर की जगह पर आ जाएंगे और शार्दुल ठाकुर को फिर रिलीज कर दिया जाएगा कि भाई जाइए आप विजय हजारे ट्रॉफी खेलिए, क्योंकि टीम इंडिया में अभी कोई जरूरत आपकी नहीं है। बाकी पूरी टीम इंडिया वही है। जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मोहम्मद शमी की वापसी हो सकती है, जो लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है, उन सभी की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। क्योंकि टीम क्या है मैं आपको बताता हूं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, ऋद्धिमान साहा, आर अश्विन, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, ईशांत शर्मा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। उमेश यादव के लिए लिखा गया है कि उमेश यादव विल ज्वाइन द टीम इन अहमदाबाद एंड आफ्टर हिज फिटनेस असेसमेंट विल रिप्लेस शार्दुल ठाकुर। वो अहमदाबाद में टीम से जुड़ेंगे लेकिन जब फिटनेस उनकी देख ली जाएगी और फिटनेस परफेक्ट निकलेगी, फिटनेस टेस्ट वो पास कर लेंगे तो फिर शार्दुल ठाकुर की जगह वो टीम में आ जाएंगे और शार्दुल ठाकुर को विजय हजारे ट्रॉफी खेलने के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये पूरी टीम है और उम्मीद लोगों को ये थी कि रविंद्र जडेजा की वापसी हो सकती है लेकिन उनकी उम्मीदों पर भी अब पानी भर गया है। थोड़ा सा और समय जडेजा को भी और साथ ही साथ शमी को भी लग रहा है अपनी इंजरी से वापस आने में, उसको पूरी तरीके से हील अप करने में। ऐसे में जिस तरीके से दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीती है ज़्यादा चिंता वाली बात तो नहीं है, क्योंकि अब पिंक बॉल टेस्ट मैच होगा और वहां पर एक पेसर की ज़्यादा ज़रूरत होगी। हमारे पास तो तीनों ही पेसर शानदार हैं, चाहे बुमराह हो, चाहे सिराज हो, चाहे ईशांत शर्मा हो, इन्हीं तीनों के खेलने के सबसे ज़्यादा चांसेस भी नज़र आ रहे हैं। और साथ ही साथ अक्षर पटेल और रवि अश्विन, इनका भी खेलना तय माना जा रहा है। कुलदीप यादव की जगह पर मैं आपको बता दूं कि इस मैच में जसप्रीत बुमराह की वापसी होगी, क्योंकि पहले से ही मोहम्मद सिराज और ईशांत शर्मा ये मैच खेल रहे थे, बुमराह को आराम दिया गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि प्लेइंग 11 में बुमराह भी वापसी कर लेंगे और बाकी पूरी टीम लगभग वही है। उमेश यादव को ज़रूर लाया गया है टीम में और फिटनेस टेस्ट उनका पास अगर वो हो जाएगा तो टीम में आ जाएंगे। हो सकता है कि उमेश यादव को भी मौका दे दिया जाए लेकिन सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है तो मुझे लगता है कि उन्हीं को मौका दिया जाएगा। बाकी आप बताइएगा आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर पर। बहुत बहुत शुक्रिया।